सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं ट्रिगर डिंगचान के बारे में। तो ट्रिगर डिंगचान एंड उनके फैमिली जो है कल देखने गए थे KGF 2, एंड उसके बाद जो उनका एंड उनके फैमिली का रिएक्शन आया था वो आप खुद देखिए। मैं अभी थिएटर से KGF देख के निकला हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इट इज द बेस्ट मूवी एवर, इट इज द ग्रेटेस्ट मूवी एवर आई हैव एवर सीन। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज की मूवी ले लो, KGF 2 इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। अभी जाओ जल्दी से थिएटर में जाके देखो भाई, क्या मूवी बन। जाओ यार देखो, बहुत बढ़िया है। एंड यश, We love you, यश। सलाम रोकी भाई। यश सर, I love you। कसम से प्यार हो गया। दिल से प्यार हो गया मुझे। प्यार हो गया मेरे को यार, मैं I love you। ये देखो, ये सारे KGF 2 के डिस्कशन कर रहे हैं। स्पॉइलर दे देंगे ये तुम लोगों को, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम लोग अभी तक, वैसे तो आज ही लगी है, बट जाओ यार जल्दी से जाके KGF 2 देख के आओ, और मूवीज नहीं भी देखते तो भी देखो यार जल्दी। मेरे घर वाले कह रहे पागल हो गया, बट मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा ही हो रहा हूँ, हाइप ज्यादा ही था मैं, और सच बता रहा हूँ कमी थी वो भी हाइप। क्या मूवी है यार, मजा आ गया। मैं फिर से जा रहा हूँ देखने, मैं अभी जा रहा हूँ वापस देखने। देख लो, मैं अकेला नहीं हूँ जो बहुत ज्यादा हाइप्ड है। जब से ये निकले हैं 10-15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक डिस्कशन ही चली जा रही है KGF 2 के बारे में। कसम से, मतलब तुम लोग बोलोगे पागल हो चुका है, बट क्या मूवी बनाई है। मतलब जिस सीन में उन्होंने एक्शन दिखाना है ना, उस सीन में तुम ऐसे हो गए ओ यस, मार मार। जिस सीन में उन्होंने रुलाना है उसमें रुला देंगे, मतलब ऐसे इमोशंस के साथ खेलते नहीं है भाई यार। क्या मूवी बनाई है यार, आ कर रहा हूँ बस यार। रो मत, एक बार तू भी बोल दे। सच में मैं पक्का देखो, बहुत औसम है, इतनी अमेजिंग है, मतलब प्यार हो गया मुझे रॉकी भाई से। मैं कभी रोता नहीं हूँ लेकिन रुला देती है मूवी यार ये, इतनी लाइक सिर्फ हिंदी वर्जन में ऑलमोस्ट 54 करोड़ रुपीज कमाया है। बता दू, इससे पहले रिकॉर्ड था वार मूवी का, जिसने ऑलमोस्ट 52 करोड़ रुपीज कमाए थे एक दिन में। एंड थग्स ऑफ हिंदुस्तान का भी था, जिसने ऑलमोस्ट 51 करोड़ रुपीज कमाए थे एक दिन में। इसी के साथ KGF 2 ने वार एंड थग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ के बिगेस्ट ओपनर इन इंडिया बन गया हिंदी वर्जन। एंड सारे वर्जन का बात करो तो एक दिन में जो ऑलमोस्ट 135 करोड़ रुपीज कमाया KGF 2 ने। खतरनाक भाई, KGF 2 ने जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। इतना सारा पैसा का बात हो ही गया तो गाइज आपको बता दूं, मैं अभी एक बुक के बारे में सुन रहा हूं जिसका नाम है BS सोशल मीडिया मिलियनेयर। इस बुक में यह बताया गया है कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके जीरो इन्वेस्टमेंट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। बट एज यू गाइज नो, मेरे पास जो है बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं रहता है, बट मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। मैं अभी BS सोशल मीडिया मिलियनेयर बुक समरी को सुन रहा हूँ कुकू FM पे। हाँ गाइस, मैंने रिसेंटली इस ऐप को डिस्कवर किया है, एंड आपको बता दूं कि हम जैसे लोग जो टाइम की कमी की वजह से बुक्स चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते, उसका सलूशन दे रहा है कुकू FM ऐप हमें। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ 3000+ ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज अवेलेबल है ऑन मोटिवेशन, मनी मैनेजमेंट एंड बिजनेस जैसे यूजफुल टॉपिक्स पे, और वो भी हमारे रीजनल भाषा में। और आपको बता दूं, ये मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी प्ले स्टोर पर 4.5+ की रेटिंग्स है। अभी कुकू FM पर एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है जिसे आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जो कि है 50% डिस्काउंट का। यस, फर्स्ट 250 लोग जो मेरा कोड NEUZ50 यूज करेंगे उनको इसका सब्सक्रिप्शन 399 में नहीं बल्कि 199 रुपीज में मिलेगा। तो अभी जाके कुकू FM ऐप को डाउनलोड करके इस ऑफर को अवेल कर लो, लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क ने जो है ट्विटर को ऑफर दिया $41 बिलियन का ऑफर, बेसिकली ट्विटर को खरीदने के लिए। एट प्रेजेंट इलॉन मस्क जो है ट्विटर के बिगेस्ट शेयर होल्डर भी है। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले इलॉन मस्क ने जो है 9.2% का शेयर खरीदा था ट्विटर का, इसी के साथ वो बन चुके थे ट्विटर के बिगेस्ट शेयर होल्डर। तो अभी उन्होंने पूरा ट्विटर ही खरीदने का ऑफर दिया $41 बिलियन में। वो कितना रुपया होता है आप देख सकते हो, रॉनी एक ट्वीट किए थे, एंड उन्होंने ये भी बोला है कि माय ऑफर इज माय बेस्ट एंड फाइनल ऑफर, एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड आई वुड नीड टू रिकंसीडर माय पोजीशन एज अ शेयर होल्डर। शायद से यहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि अगर वो ट्विटर नहीं बेचते इलॉन मस्क को, देन फिर उनका जितना भी शेयर है ट्विटर में वो सारा वो बेच देंगे। इसके ऊपर अनुपम मित्तल भी रिएक्ट किया, आपको पता होगा ये शार्क टैंक के एक जज थे। बेसिकली वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक ट्वीट किए थे जहां पर लिखा हुआ है टॉप 10 मोस्ट फॉलोड ट्विटर अकाउंट्स, एंड वहां पर बहुत सारे नाम्स हैं इंक्लूडिंग इलॉन मस्क। तो उसके ऊपर इलॉन मस्क रिएक्ट किए थे, मोस्ट ऑफ द टॉप अकाउंट्स ट्वीट रेयरली एंड पोस्ट वेरी लिटिल कंटेंट,
is Twitter dying? For example, Taylor Swift has not posted anything in 3 months and Justin Bieber only posted once this entire year. तो उसके ऊपर जो अनुपम मित्तल react किया वो लिखे, I totally don't get this. How do you trash talk a company, driving its share price down, while planning to make an offer to buy it a few days later? Basically, Elon Musk जो tweet किए थे is Twitter dying लिख के, वो 5-6 दिन पहले का है. And उन्होंने Twitter खरीदने का offer अभी just recently दिया है. फिर अनुपम मित्तल लिखे, I know it makes the offer look better, but is this causer? Now a veiled threat to sell shares if offer not accepted. तो उसका किसी ने reply किया, He said he wanted to promote free speech and wanted an open source algorithm. तो उसका अनुपम मित्तल reply दिए, That's why it costs $150 to attend this TED talk. फिर किसी ने लिखा, Mate, I have huge respect for you, but you know what? You gotta be in a listed space to know how these things work in economies like USA. Elon Musk knows how to work all this around. तो उसका अनुपम मित्तल reply दिए, I'm just wondering out loud, not passing judgment yet. फिर किसी ने लिखा, Sir, बड़े लोगों की बड़ी बात है. तो उसका अनुपम मित्तल reply दिए, You mean छोटी बात है. So yes, आप लोग क्या सोचते हैं यार पूरा मैटर को लेकर, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना. तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट के बारे में. तो ये दोनों का जो शादी हो चुका है अभी, इसके ऊपर कुछ यूट्यूबर्स रिएक्ट किए. मैं आपको पहले भुवन बाम का रिएक्शन दिखाता हूँ. वो अपने बीबी की वाइंस प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो अपलोड किए थे, आप देखिए. और मेरा आलिया में बहुत बड़ा क्रश है, मतलब क्योंकि हम उम्र है, ऑलमोस्ट सेम एज है. फिर आशीष चंचलानी एक ट्वीट के जहां पर वो लिखे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रणबीर एंड आलिया, रालिया साउंड्स लाइक सम बैटमैन विलन नेम, रालिया अल घुल. फिर वो एक स्टोरी पोस्ट के जहां पर वो लिखे, बस भगवान ये दिन मुझे भी दिखा दो, मम्मी पापा पीछे ही पड़ गए शादी के लिए. तो शायद से बहुत जल्द आशीष चंचलानी का भी शादी हमें देखने को मिले, क्या पता भाई. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मॉर्टल के बारे में. तो क्या मॉर्टल एक मूवी में है, इसके बारे में बताते हुए रॉनी एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए. आज ना मैं मॉर्टल को एक्सपोज करने वाला हूँ. तो मैं मूवी देख रहा था अंग्रेजी मीडियम, और ये मूवी में देखो मुझे क्या दिखा, मुझे मूवी में दिखा मॉर्टल. मॉर्टल मूवी में कैमियो कर रहा है, हम लोग को बताया भी नहीं. मॉर्टल छुप छुप के मूवीज में कैमियो कर रहा है, हमको बता भी नहीं रहा है. मॉर्टल सब क्या हो रहा है. फिर मॉर्टल उसको रीपोस्ट किया, लिखे, भाई लीक कर दी. बता दो जो कंफ्यूज हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो मॉर्टल नहीं है. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमित भड़ाना के बारे में. तो अमित भड़ाना ले लिए न्यू घर. यस, इसके बारे में बताते हुए वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. एक बात है दिल की, मेरे कुछ सपनों में से एक सपना था कि माँ के लिए घर लूंगा, बड़ा सा अच्छा सा. सपना पूरा हुआ है, अभी इसी महीने घर लिया, अभी बना रहा हूँ. मगर यार पुराना घर जो दिल्ली में है, उसे छोड़ के जाने का जब समय हुआ तो दिल से रोना आया यार. मैं तो इतना इमोशनल आदमी हूँ, रोते रोते निकला हूँ वहाँ से. मेरा बचपन, स्कूल, कॉलेज, यार दोस्त, वो गलियां सब वहीं रह गए. 90s में मेरा पूरा परिवार बुलंदशहर यूपी से दिल्ली आए थे. मैं हमेशा सोचता था कि इस दुनिया में हम लोग घर क्यों बदलते हैं, क्यों वहीं रहकर सब कुछ नहीं करते. अभी समझ आया, सपने सब कुछ छुड़वा देता है, तरक्की आपको सब देती है, मेमोरी छीन लेती है बस. मैंने अपनी लाइफ में 22 साल जौहरीपुर दिल्ली में बिताए, वहां के लोगों के प्यार और मेमोरी का मैं हमेशा आभारी रहूंगा, उस धरती को हमेशा गर्व महसूस कराऊंगा. दिल्ली वाले घर पर आप सभी का आना, मुझसे मिलके जाना, मुझे आज तक पता नहीं कि मेरा पता कैसे ढूंढ लेना, बहुत याद है यार. घर मेरा वहीं रहेगा, कभी बेचूंगा नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा हमेशा. बस आपको अब वहां नहीं मिलूंगा, जब भी आया करूंगा मिला जरूर करूंगा. तब तक कहीं और मिलेंगे, कहीं ना कहीं जरूर मिलते रहेंगे, लेकिन प्यार नहीं मरने देंगे और काम नहीं झुकने देंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे. स्वयं आप लोग समझ गए होंगे सारे स्टोरी. स्वयं स्मार्ट कांग्रेचुलेशन स्ट्रीम. तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते फ्लाइंग बीस्ट के बारे में. तो फ्लाइंग बीस्ट का एयर एशिया के साथ जो कॉन्ट्रोवर्सी, उसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा. उससे रिलेटेड एक अपडेट है, वो जो है कोर्ट में गए थे कल. जैसे कि वो अपने कुछ दिन पहले के व्लॉग में बता चुके हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के कोट का ही है. नीचे कैप्शन में लिखे, माय लॉर्ड, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. ये औरत मेरे कच्चे और सॉक्स चुराती है, और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. #flyingbeast #courtcase. तो समझ ही गए होंगे वो कोर्ट में क्यों गए थे. ऑफकोर्स एयर एशिया का जो केस था उनका, उसी के लिए. इसके रिगार्डिंग और अपडेट मुझे मिलता है, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, इक्का के बारे में. तो इक्का का हो चुका है शादी. यस, वो कुछ स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर. स्वयं महार्टी कांग्रेचुलेशन स्ट्रीम. ऑल्सो यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट का बात हो गया, तो बता दूं फ्लाइंग बीस्ट का जो एक इंटरव्यू आउट हुआ है शिल्पा शेट्टी के साथ. यस, शिल्पा शेट्टी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखी, ए कन्वर्सेशन विद द फ्लाइंग बीस्ट टर्नड आउट टू बी द कंप्लीट फीस्ट. एपिसोड नंबर 5 इज आउट नाउ. स्वयं अगर आपको एपिसोड देखना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में. तो फुकरा इंसान से रिलेटेड किसी ने एक आर्ट बनाया था, ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर. तो लिखे, एनीवन अप फॉर बॉक्सिंग मैच. क्या लगता है भाई, इंडिया में भी बाहर के जैसा बॉक्सिंग मैच
मैच होगा, जैसे बाहर के यूट्यूबर्स लड़ते हैं ना भाई, बॉक्सिंग मैच इंडिया में होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हो भी सकता है भाई फ्यूचर में। अगर होता है देन फिर भाई हमारे तो भाई बल्ले बल्ले। ऑल्सो यहाँ पर फुकरा इंसान जो न्यू वीडियो अपलोड किए थे देसी स्क्विड गेम, वो वीडियो जो है नंबर 6 ट्रेंड कर रहा था ऑल ओवर इंडिया। यस, इसके बारे में बताते हुए एक स्टोरी पोस्ट किए थे जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने क्रॉस कर लिया 32 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पर, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो यस, हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।